हाय एवरीवन, सलाम नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं। बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, वो भी आफ्टरनून टू नाइट टाइम रूटीन, जिसमें आपका मेरा नेक्स्ट डे का जो भी ब्रेकफास्ट या लंच का प्रिपरेशन रहता है। तभी जस्ट मैं बेटी को लेके आई हूँ, आसमी को, और वो आने के बाद थोड़ी देर आपकी जितनी भी टॉयज होती हैं उसके हिसाब से जो फेवरेट होती है उसके साथ थोड़ा देर वो खेलती है। तो जैसे आज स्कूल लौटते वक्त ये बबल्स, जैसे बचपन में हम लोग तो इसको बबल्स ही कहते हैं, मे बी आई डोंट नो कुछ और नाम हो, तो उसके साथ वो थोड़ा देर खेल रही है और मुझे इसको देख के खुद का बचपन याद आ जाता है। थोड़ा देर खाने खाने के बाद वो इस तरह से दौड़ती है, और ख़ासकर आजकल वो इसलिए दौड़ रही है क्योंकि उसके स्कूल में चल रही है रेस स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन जो नेक्स्ट वीक में होने वाला है। नहा सोने के बाद हम लोग यहाँ पर शाम को नाश्ता कर रहे हैं, लिट्टी। ये सत्तू का जो लिट्टी होता है, फ्राइड वाला लिट्टी, वही मैं बना रही हूँ, बट इसका ब्लॉग मैं आपको कभी और किसी दिन शेयर करूँगी। विंटर में इस तरह से लिट्टी और चाय, मज़ा ही आ जाता है, टू गुड। डेफिनेटली आप लोग ट्राई कीजिएगा, बिहार में तो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो बींग बिहारी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बट मुझे लिट्टी जो कोयले वाला लिट्टी है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बट घर में हमेशा पॉसिबल नहीं होता है, फ्राइड वाला इजीली बन जाता है। तो वही हम लोग शाम को नाश्ते में ले रही हूँ, लिट्टी एंड चाय। और आज मैं रात को जो डिनर में बनाने जा रही हूँ, बहुत ही क्विक रेसिपी, क्योंकि अभी जो बनाई थी थोड़ा सा फ्राइड था, इसलिए मैं रात को थोड़ा सा हल्का कुछ बनाऊँगी। जैसे मेरे पास बॉयल्ड आलू ऑलरेडी है, अब बहुत ही क्विक रेसिपी विद इन 5 मिनट के अंदर में बन जाती है अगर आपके पास आलू बॉयल है। तो मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक पोटैटो, बहुत ही यमी लगता है पराठा के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ। और विंटर में गार्लिक हेल्थ के लिए भी वाइज बहुत अच्छा होता है, तो भर भर के गार्लिक डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप देख पड़ेंगे 8 से 10 पोटैटो ली हूँ, बेबी पोटैटो या थोड़ा सा उससे बड़ा, और साथ में मैं एक होल गार्लिक ले रही हूँ जिसको अच्छे से छील के फाइनली चॉप कर लूँगी। तो ये गार्लिक पोटैटो बहुत ही यमी है, मस्ट ट्राई। तो मैं यहाँ पे ली हूँ एक तवा, आप लोग पैन या कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। तो यहाँ पे पैन को अच्छे से गर्म होने के बाद हम लोग यहाँ पर डालेंगे मस्टर्ड ऑयल, आप लोग चाहें तो वेजिटेबल ऑयल या घी से भी बना सकते हैं, टोटली ऑप्शनल, बट हम लोग के घर में ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है तो मैं मस्टर्ड ऑयल ही लेना पसंद करूँगी। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मेरा जो मेन की इंग्रेडिएंट है वो मैं डालूँगी, वो है गार्लिक। यस, गार्लिक बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि गार्लिक पोटैटो में गार्लिक ही मेन इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पे तेल हल्का सा कम गर्म हुआ था, मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, और यहाँ पर तेल गर्म हो जाने के बाद मैं तेल में गार्लिक को अच्छे से पकाऊँगी, जिसमें तेल में अच्छे से एक गार्लिक का फ्लेवर आ जाए, ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी जो आपको गार्लिक पोटैटो का जो टेस्ट आएगा बहुत ही अच्छा आने वाला है। साथ में मैं 2 टेबलस्पून से इसमें तेल होता है, ये भी सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसको भी ज़रूर लीजिएगा, इसमें ओमेगा 3 भी होता है और इसके साथ एक नटी फ्लेवर आता है, तो मस्ट ट्राई। साथ में मैं दे रही हूँ चिली फ्लेक्स, अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लोग होल चिली को तोड़ के भी डाल सकते हैं, और चिली फ्लेक्स डालने से ना एक अच्छा सा लुक आता है। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं बॉयल्ड पोटैटो, और बॉयल्ड पोटैटो डालते हुए मैं यहाँ पर अच्छे से पोटैटो को अब फ्राई करूँगा। अब हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ पर पोटैटो हल्का सा फ्राई हुआ है बट हम लोग को अभी और भी फ्राई करना ज़रूरी है, तो आप लोग यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालिए, एंड पोटैटो को हम लोग मीडियम टू हाई, क्योंकि बीच में पोटैटो को फ्राई करते रहेंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पे नॉन स्टिक है तो चिपक नहीं रहा है, तो अगर स्टील का कढ़ाई लेते हैं तो मे भी चिपक सकता है, दैट्स वाई यहाँ पर मैं नॉन स्टिक तवा ली हूँ। और साथ में मैं डाल रही हूँ एक टमाटर जिसको अच्छे से मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ, टमाटर प्यूरी ले सकते हैं, तो ये होममेड टमाटर प्यूरी है, तो आराम से इसको जस्ट मिक्सी में काटिए और अच्छे से मिक्सी को टमाटर को अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। अब टमाटर डालने के बाद फिर से हम लोग 5 मिनट तक, मिनिमम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, तो जिससे आलू अच्छे से एक फ्राई हो जाए, उसमें एक कलर आ जाए, दैट्स इट। तो अभी हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं मसाला, जैसे हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स पहले डाल चुके हैं, नहीं डाल रहे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, और हम लोग यहाँ पर ऐसा कुछ भी मसाला नहीं डालेंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, या आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, अगर और भी एक्स्ट्रा खटास चाहिए तो। मैं यहाँ पर टमाटर यूज़ कर रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा खटास नहीं ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा सा डाल रही हूँ रेड जो कश्मीरी चिली पाउडर होता है जो कलर वाली, वो मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ जिससे एक अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो यहाँ पर मसाला और आलू को हम लोग
5 मिनट तक और फ्राई करेंगे जिससे मसाला और आलू अच्छे से फ्राई हो जाए। अगर मसाला जलने लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, मैं भी डालूंगी क्योंकि मसाला जल सकता है। और 5 मिनट तक लगातार हम लोग इसको भूनते रहेंगे और एक तवा पे एक अच्छा सा भुना हुआ जब मसाला का स्मेल आने लगेगा तो आप समझ जाइएगा जो आपका जो पोटैटो है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, गार्लिक अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर पूरा टोटल जो टाइम लगता है ये गार्लिक पोटैटो बनाने में 10 मिनट्स, जो बहुत ही यम्मी बनता है। तो गार्लिक पोटैटो यहाँ पर ऑलमोस्ट डन है, तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं कटा हुआ धनिया पत्ता। आप लोग यहाँ पर कस्तूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं, बट कस्तूरी मेथी मैं मना इसलिए करूँगी जो गार्लिक का फ्लेवर है वो थोड़ा सा दबा सकता है, दैट्स वाई। नहीं तो इसमें जो गार्लिक वाला जो फ्लेवर होता है ना वो नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप लोग कस्तूरी मेथी को कभी मत ऐड कीजिएगा, धनिया पत्ता ही ऐड कीजिएगा। और धनिया पत्ता डालने के बाद 1-2 मिनट तक और हम लोग फ्राई कर लेंगे जिससे पत्ता भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बहुत किसी को ना धनिया पत्ता मुंह में आता है तो रॉ वाला अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर लास्ट में जो की इंग्रेडिएंट है वो है काला नमक। काला नमक डालने से जो ये गार्लिक पोटैटो का जो टेस्ट होता है ना और भी ज़्यादा इनहेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, तब तक मैं यहाँ पर पराठा रेडी कर लेती हूँ। मैं गार्लिक पोटैटो के साथ पराठा बनाने जा रही हूँ, साथ में मैं स्वीट मैगी बेटी के लिए बनाई हूँ। एक्चुअली स्वीट मैगी कुछ नहीं है, जो सेवई होती है वही मैं बनाई हूँ, वो स्वीट मैगी कहती है। तो उसको रात में स्वीट मैगी खाना ज़्यादा पसंद होता है, थोड़ा बहुत पराठा सब्जी भी वो खाएगी और साथ में स्वीट मैगी उसका मेन खाना रहेगा, जिसमें बहुत सारा नट्स के साथ मैं बनाती हूँ, ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाई हूँ। तो ये मेरा ओवरऑल जो डिनर रूटीन है विद इन 15 मिनट के अंदर बन जाता है। ये सुपर पर हीट है, सो यम्मी है एंड सबसे बड़ी बात बहुत क्विकली बन जाता है। सर्दियों के लिए भी बहुत अच्छा है, अभी भी सर्दियों अब बहुत जगह में है तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अभी समर आया नहीं तो गार्लिक भी आप लोग आराम से खा सकते हैं। इवन आपका वाइट वाला जो सेसमी सीड है वो भी बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 है। तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए ये रेसिपी, सुपर डुपर हीट। तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ बीट और मूली का एक पराठा प्रिपरेशन, जिसके लिए मैं मूली और चुकंदर मतलब बीट एंड रेडिस दोनों को अच्छे से छील के ग्रेट कर ले रही हूँ। अगर ये सब काम छोटा छोटा काम अगर रात को किया हुआ रहता है तो विंटर का जो मॉर्निंग होता है बहुत ईजी होता है। रीज़न बिंग जितना भी हो विंटर का मॉर्निंग ईजीली मतलब आँख नहीं खुलता। मैं खुद एक नाइट पर्सन हूँ, मतलब मुझे मॉर्निंग में सोना पसंद अच्छा लगता है, लेकिन अगर इस टाइप का काम अगर छोटा छोटा काम करके रख देती हूँ तो मुझे लगता है मॉर्निंग में थोड़ा सा भी हो 30 मिनट्स मेरा सेव हो जाता है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा नमक, जिस कारण मूली और बीट से जो भी पानी होगा सब्जियों से वो रिलीज हो जाएगा, तो वो रात भर वो काम होगा। तो उसको मैं ढक के फ्रिज में रख दूंगी और साथ में यहाँ पर कुछ मटर छील लूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं बनाने जाऊँगी आलू मटर की सब्ज़ी पराठा के साथ, जो दोनों का कॉम्बिनेशन सुपर्ब है। और यहाँ पर आलू और मटर को मटर को पहले छील के एक डब्बे में रख देती हूँ, जितनी भी ज़रूरत होती है उतने के हिसाब से। एंड साथ में मैं आलू को अच्छे से घिस के धो के रख देती हूँ, जितना हो सके उसको छील के भी रख देती हूँ, जिससे उसका जितना गंदगी है वो निकल जाए, जितना स्टार्च है वो निकल जाए, जो मुझे बहुत ही आसान हो जाता है मॉर्निंग का ये सब छोटा छोटा काम अगर करके रख देती हूँ। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, जो आफ्टरनून से ले के रात तक का जो मेरा नेक्स्ट मॉर्निंग का प्रिपरेशन में भी हेल्प करता है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट में भी बताइए आप लोग किस टाइप का ब्लॉग देखना चाहते हैं, मैं ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी न्यू वीडियो एंड न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।